चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूरा देख चुके हैं, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर बात कर चुके हैं। अब उन्हीं से संबंधित हम लोग अभ्यास या क्वेश्चन माला लगा रहे हैं, क्वेश्चन और उनके क्वेश्चंस और आंसर देख रहे हैं। तो एक अभ्यास हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन के करीब सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग दूसरी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? याद रखना है, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? तो आपको याद रखना है, ये ऑप्शन सही है, गेहूं और धान, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है, इसमें दोस्त मोहम्मद खान द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है, मंडला जिले, बी ऑप्शन सही है। अगला चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दूसरा जैव रिजर्व मंडल कहाँ है? आपको याद रखना है, अमरकंटक, ए ऑप्शन सही है चौथे। पांचवा, नरगवा परियोजना किस जिले में है? तो आपको याद रखना है, छतरपुर, सी ऑप्शन सही है। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से गलत उत्तर कौन सा है? चंबल नदी तीन राज्यों से बहती है, ये सही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, ये भी सही है। चंबल नदी की लंबाई 985 किलोमीटर नहीं है, सी ऑप्शन है। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है, ये भी सही है। तो छठवें का सी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन है, पुरस्कार हैं और ये क्षेत्र है, ठीक है। सातवें, तो इसमें कालिदास सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हिंदुस्तान संगीत के लिए, कबीर सम्मान ये गायन शैली के लिए, सॉरी ये पुरस्कार हैं, ये क्षेत्र है। तो इनमें काली सम्मान, कालिदास सम्मान है जो इस शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, याद रखना। कबीर सम्मान है जो ये गायन शैली के लिए दिया जाता है। तानसेन सम्मान है जो ये हिंदुस्तान संगीत के लिए दिया जाता है। देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है ये भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सात का बी है। आठवां क्वेश्चन है, बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपको याद रखना, बेगा में, आठ का ये है। मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो 20, 9 का ये क्वेश्चन सही है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? इंदौर में, ठीक है, ये भी सही है, ये ऑप्शन है। 10वां, 11 का है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो आपको याद रखना है, इंदौर में, सी ऑप्शन है, 11 का सी। सर्वाधिक, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो याद रखिए, इंदौर में भी 8 है और उज्जैन भी 8 है, ए भी दोनों सही है। लेकिन उज्जैन इसका, इंदौर सॉरी, इंदौर मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो इंदौर माना गया है इसमें, ठीक है। लेकिन जबलपुर में भी 8 भी है। मध्य प्रदेश में कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो याद रखना है आपको, 12 जिलों से लगती है। मध्य प्रदेश में कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? 12 जिलों की। मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो याद रखना है आपको, भोपाल में, ये ऑप्शन सही है। 13 का ये सही है। 13 अगला, बायो गैसीफायर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखना है आपको, बैतूल में। 14 का बी सही है, ठीक। 14 का कौन सा सही है? बी। फिर 15वां क्वेश्चन, ध्वज योजना क्या है? ध्वज योजना क्या है? तो आपको याद रखना है, निःशुल्क बीज प्रदान करना। फिर 16वां क्वेश्चन, निम्न में से सही उत्तर चुनना है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, सही है। रतलाम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है।
करक रेखा बंगेलखंड के पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। करक रेखा बालाघाट से गुजरती है, ये गलत है, बी ऑप्शन इसमें सही है। अब 17वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों को साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो आपको याद रखना है द्रविड़ संघ की, आर्य समूह की मिलती है, पुराण संघ धारवाड़ समूह की मिलती है, लेकिन द्रविड़ संघ की नहीं मिलती है, ए ऑप्शन सही। रहे 18वां, 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो आपको याद रखना है कुनू। निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य कथन का चुनाव करना, ओरछा ताप्ती नदी के किनारे है, ये गलत है। कुनू नदी देवास से निकलती है, ये भी गलत है। दैनवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी गलत है, डी ऑप्शन सही है। मालवा मालिनी तावा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, जलप्रपात है और ए स्थल है, ठीक है। पिथावन ये रीवा में है, भालकुंड ये सागर में है, शंकर को जामनेर में और अप्सरा ये पचमढ़ी में, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है 20 का, 20 का कौन सा ऑप्शन सही है, ये। फिर 21वां क्वेश्चन, कौन संगत नहीं है? 21वां, कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं की कविता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को दिया जाता है, ये सही है। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में उल्लेखनीय योगदान करता को प्राप्त किया जाता है, ये भी सही। तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कलाकार को दिया जाता है, ये भी सही है, इसमें डी ऑप्शन है। 21 में कौन सा है, डी कुमार गंधर्व सम्मान रंगमंच नृत्य और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गलत है, ठीक। फिर 22वां क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? 22वां, तो याद रखिए ओरछा के किले का निर्माण बुंदेला शासकों ने करवाया, ये सही है। मंदसौर का किला अलाउद्दीन ने बनवाया, ये भी सही है। और चंदेरी का किला राजा उदय वर्मन ने निर्मित करवाया, याद रखिए ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। धार का किला मोहम्मद तुगलक ने बनवाया, ये भी सही है। अब हमारा 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है सही जोड़ो मिलाइए, तो इसमें 23 में मध्य प्रदेश उत्सव आयोजन कहाँ होता है, दिल्ली में। ओरछा का किला टीकमगढ़ में, अब निवाड़ी में हो गया, जब से निवाड़ी 2018 से जिला बना तो ओरछा निवाड़ी में हो गया। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, जहांगीर महल चंदेरी में, ठीक। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, तो असत्य कथन छाटिए। 24वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का 89.9% बेसिन मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी कुल प्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। सस्त जल धारा जल प्रपात नर्मदा नदी का परिस्थित नहीं है, सी ऑप्शन है, इसमें गलत है। और बेसनगर बेसागर वन नर्मदा नदी पर, ये भी सस्त जल धारा जल विपात भी नर्मदा नदी पर। फिर 25वां क्वेश्चन, असत्य विकल्प का चयन करना है 25वें। मालवा के पठार में वर्षा की कमी का कारण प्रदेश का पठारी होना है, सही है। सतपुड़ा मैकल प्रदेश में काली व लाल मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण लावा चट्टानों से हुआ, ये भी सही है, डी ऑप्शन इसमें है। रीवा पठार के पन्ना के पठार का अन्य नाम बघेलखंड का पठार है, ये ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन है डी। 25 का कौन सा है डी। फिर 26 माधवराव सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में, माधवराव सिंधिया प्रथम की समाधि कहाँ है, शिवपुरी में। 26वां है, 26 का बी। फिर 27 प्राचीन जनपद दर्शाड़ का आधुनिक नाम है, तो ये आपको याद रखना है 27 का है, ए नेवाड़ क्षेत्र का। 28 है, निम्न में से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना, बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, तो ये है गांधी सागर। निम्न 29 है, 28 का सी है, 29 का। निम्न त्योहारों व संबंधित जनजाति में असंबद्ध है, मेघनाथ और गौड़ जनजाति रस
रसनवा, बेगा, गड़गोर, मालवाचित, सभी सही है। ठीक, बी ऑप्शन है इसमें 29 में। फिर हमारा 30, निम्न में से सबसे छोटा अभयारण्य है, तो आपको याद रखना 30 का है सी ऑप्शन, लाला मंडल। 31, 30 का सी है, 31 का है। किस किले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो याद रखिए धार, खंडवा, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में, धार में नहीं। 32, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, जैनियों जैनियों का तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 32, तो याद रखना बैतूल में। 33वां क्वेश्चन, निम्न को में से गलत जुड़ा चुनना है। 33, किंतिम रेशा उद्योग, ये देवास में नहीं, ये ऑप्शन है इसमें। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, लाख कारखाना उमरिया में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, ये ऑप्शन है इसमें गलत। ठीक है, फिर 34, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो आपको याद रखना 34 का बी ऑप्शन है सोहागपुर। सोहाग किस क्षेत्र का लोकनाट है, बुंदेलखंड का, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से निम्न लोक गायन वाद्य क्षेत्र में असमद्ध है, तो आपको रखना है 36 का है बी, थर थर थरी गायन बघेलखंड से संबंधित नहीं है, कलगीतुर्रा निवाड़ से, आला बुंदेलखंड और लाखनी मालवा से। फिर अगला है हमारा 37, कौन सा क्वेश्चन है 37 नंबर, पान पठा कोयला क्षेत्र किस जिले में है, तो आपको याद रखना है 37 का सी ऑप्शन, उमरिया में, सी ऑप्शन है 37 का। 38 का है मध्य प्रदेश का संजय नेशनल पार्क सीधी, जिसका एक भाग अब छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है 38 का है बी, कोरिया। याद रखिए मध्य प्रदेश का संजय नेशनल पार्क सीधी में है मध्य प्रदेश में, जिसका एक भाग अब छत्तीसगढ़ में, किस जिले के अंतर्गत आता है, तो कोयला में। 39वां क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सा हाईवे गुजरता है, तो आपको याद रखना है NH3। 40वां क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मभूमि किस जिले में है, साजापुरा। 41, मंदसौर जिला राजस्थान के कितने जिलों को छूता है, मंदसौर जिला राजस्थान के कितने जिलों को छूता है, तो आपको याद रखना है 4। 42 है, मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा विकसित पत्रिका कौन है, मध्य प्रदेश संदेश, सी ऑप्शन है 42। 43, रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है, 43 का है डी, जबलपुर। 44वां, निम्नलिखित में से कौन कथन असत गलत है, सुआ बेगा जनजाति से संबंधित है, ये सही है, और मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, सही है। सी, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 13 दिसंबर 1982 को होगा, ये गलत है। ठीक, हर सौंड जिप्सन सागर जिले में स्थित है, ये भी सही। 44 का सी ऑप्शन है। फिर 45, मध्य प्रदेश में इंतिमा नामक वार्षिक धार्मिक समागम कहाँ होना है, तो ये है 45 बी ऑप्शन, भोपाल। 46 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख अकादमियों व उनकी स्थापना वर्ष के युग्मों में कौन सा गलत है, तो 46 का है कालिदास अकादमी 1974 में, सही है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में, सिंधी अकादमी 1983, संगीत अकादमी 1978 में, नहीं मिली, ये गलत है। ठीक है, तो याद रखना डी ऑप्शन है 46 का। 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 47, शंकर गंधर्व महाविद्यालय ग्वालियर में, ये सही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा के विधान की गारंटी 25 सितंबर 2010 को लागू की गई, ये भी सही है। सांची का पुराना काकनाद है। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी 1 अप्रैल 2006 में लागू की गई, डी ऑप्शन है इसमें, 47 का डी ऑप्शन है, याद रखना। 48,
कौन सा है? 47 का डी है, 48 का जोड़ी बन मिलाना है अपन को। तो इसमें याद रही सिंगाजी का मेला, में सिंगाजी मेला कहाँ लगता है? पश्चिमी, पश्चिम में महामृत्युंजय रीवा में, पश्चिमी नेवाड़ में लगता है सिंगाजी का मेला, महामृत्युंजय लगता है रीवा, सनकुआ का मेला दतिया में, काजू जी का महाराज का मेला लगता है पश्चिमी नेवाड़। ठीक है, ए ऑप्शन है इसमें, 48 का ए। फिर 49 गलत उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है, ये सही है। पंचायत राज संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में है, ये भी 49, ये गलत है, सी ऑप्शन है इसमें। 108 एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई 16 जुलाई 2009 से, ये भी सही है, सी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 49 का सी है। 50 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के विश्वामित्र अवार्ड 2012 से सम्मानित होने वाले प्रशिक्षण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो याद रखना है 50 का है ए इस्माइल दुबे, ये हॉकी से इन्हें नहीं, दिलीप पटेल बास्केटबॉल, कमला रावत जूडो, मनोज कुमार दुबे कराटे, 50 का ए ऑप्शन है। फिर क्या हो, महिलाओं की गरिमा और गाँव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? 51 का ए मर्यादा अभियान। ठीक है, याद रखिए। फिर 52 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो आपको याद रखना 2007-08 में मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया? 2007-08 में, बी ऑप्शन सही है इसका, 52 का बी ऑप्शन सही है। फिर 53वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश का नहीं है? 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश का नहीं है? कीर्ति आजाद, बी ऑप्शन है इसमें, असलमत शेरावत है, नरेंद्र हरियाणी, ये भी सरोज नायडू, ये भी है। ठीक है, बी ऑप्शन है 53 का, 53 का बी है। 54, निम्न में से असत कथन चुनना, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर में है, ये सही है। नौखंडा महल राजा कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित किया गया था, ये भी सही है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर में 2004 में स्थापित किया गया, अब डी ऑप्शन इसमें है, ऊषा राजे स्टेडियम शिवपुरी में स्थित है, ये गलत है। ठीक है, चंबन का है डी, चंबन का डी। 55, गलत छांटना है, सांची स्तूप का निर्माण 2री शताब्दी में हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। द डेली कॉलेज इंदौर में स्थित है, बैतूल जिले में से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। सन 1486 से 1516 तक ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने, ये भी सही, 55 का ये ऑप्शन है। 56, निम्न में से कौन सा शहर बैतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देवास, सांची है, ओरछा भी है, विदिशा है, देवास है। 57 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ है? तो या आपको याद रखना पीथमपुर, ए ऑप्शन है। 57 का ए ऑप्शन है। 58 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल जिसे कौन सा प्रकाशन समूह निकालता है? तो 58 का है हमारा बी, नई दुनिया, 58 का बी है, याद रखना। 59, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1980 में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया। 60 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है? 60, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, सही है। वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय इसका जबलपुर में, ये भी सही है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र ये बालाघाट में, प्रादेशिक वन स्कूल ये रीवा में नहीं, इसमें डी ऑप्शन है। 60 का कौन सा है? डी। 61, माप तौल
प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है याद रखना है आपको, माप तौल प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण संस्थान 61 का है, बी भोपाल में है। 62, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछ रहा है, पूछना ठीक। मध्य प्रदेश के भावा झाबुआ में 1906 में चंद्रशेखर का जन्म हुआ। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर से किया गया। सांची स्तूप में सारीपुत्र एवं महामोगलापन की अस्थियां रखी गई हैं, तो डी ऑप्शन है सभी सत्य, याद रखिए 62 का बी है। 63, निम्न में गलत है पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या मध्य प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है 6.75। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही। मध्य प्रदेश में शहरों की संख्या 476, गाँव की संख्या है 54,903। याद रखिए डी ऑप्शन गलत है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 72.9 से 37.2 है, ये गलत है। 63 का डी ऑप्शन। 64, निम्न में से कौन सा गलत है, सर्वाधिक साक्षरता महिला ग्रामीण महिला ग्रामीण जिला मंडल है, ये गलत है, ये ऑप्शन है 64 का। मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 98% है, सबसे कम साक्षरता जिला अलीराजपुर में है। मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण साक्षरता दर 65.3% है। फिर है हमारा 65वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है। 65, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित 5वें युवा महोत्सव का आयोजन उज्जैन में हुआ, ये गलत है। मध्य प्रदेश में अगला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 से 10 अक्टूबर 2014 में संभावित है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा अवार्ड सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश को मिला। आजाद स्मृति मंदिर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थापित किया गया, ये भी सही। अब हमारा 66वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रारंभ किए गए पंचपा अभियान में निम्न शामिल है, नहीं है पूछ रहा है, पिकनिक और प्रोत्साहन, परिवार और पराक्रम, परिवार परंपरा, पर्यावरण और पराक्रम, ये तीन सही है, डी ऑप्शन है इसका। 66 का है डी, 66 का डी ऑप्शन सही, ठीक है। फिर 67वां क्वेश्चन, कौन सा 67वां, विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, 1994 से, बी ऑप्शन है 67 का बी। फिर 68, 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड में मध्य प्रदेश को कितने स्वर्ण प्राप्त हुए थे, तो 68 का है बी ऑप्शन 25, कौन से 25, बी ऑप्शन सही है। 69वां, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है, याद रखना है आपको मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। 70वां क्वेश्चन, निम्न में से कहां वर्षा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है, तो 70 का है बी, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र से, में बी ऑप्शन है 70 का। फिर 71, निम्न कथनों में सत्य कथनों का चुनाव करना है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में बघेलखंड पठार पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, ए ऑप्शन है 71वां, 71 का है ए, याद रखिए। फिर 72वां क्वेश्चन, राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 72 का ए, समशीतोष्ण मानसूनी। फिर 73, संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में। 74वां क्वेश्चन है, भारत के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बी 11.23%। 75, मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत है, 75 का है ए, धार में। 76, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ, तो 76 का है सी, खंडवा। 76 का सॉरी सी, खंडवा है, ठीक है याद रखिए। 76 का है सी, 76 का है सी, ठीक है। 77, कौन सा 77,
मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला है, 77 का है, 76 का सीता और 77 का इंदौर है, याद रखना है, इंदौर। ठीक। फिर 78, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 2000-2001 से पैरम खाद्यान्न बीज की अदला बदली योजना का नाम है, तो 78 इसका है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। फिर 79 बा गलत, निम्न में से गलत चुनना है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 सही है। मध्य प्रदेश में कुल जिले 52 हैं, याद रखिए 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में 52 जिले हो गए। ठीक। मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या बताओ। सी ऑप्शन है इसमें। मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 27.63% है, याद रखिए, पहले 50 थे लेकिन अब 2019 में 52 हो गए, याद रखना। 80वां क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? 80 ग्राम खंड जिला स्तर, सी ऑप्शन है 80 का। 81, मध्य प्रदेश पंचायत राज ने ग्राम स्वराज प्रभावी हुआ है, 81 2001 से। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा कब गठित हुई? डी 2001 में। 83, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू हुई? तो आपको याद रखना है 2004 में। ग्राम स्वराज प्रभावी कब हुआ? 2001 में। ग्राम सभा 2001 में। और ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू हुई? 2004 में। फिर है हमारा भारत 84 का क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम निकाय स्थापित किया गया? तो याद रखना चेन्नई। 84 वह बी। 85, नगर पालिका नियम अधिन निगम अधिनियम 1994 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो आपको याद रखना है 85 का डी 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है पंचायत से संबंधित। 86वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 86 का है बी ऑप्शन, 1999। मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना 1999 में। 87वां, मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित औद्योगिक विकास केंद्र व संबंधित जिले की जोड़े में असंगत कौन है? 87 पेलुखेड़ी राजगढ़ ये सही है, चंद्रपुरा छतरपुर ये भी सही है, मक्सी साजापुर ये भी सही है, बड़ेरा ए सी डी सही नहीं, डी ऑप्शन है 87 का, 87 का डी। मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास केंद्रों में 06 को केंद्र शासन ने स्वीकृति दी है, उन 06 केंद्रों में शामिल नहीं है, तो 88 का डी मक्सी, पीथमपुर मालनपुर मेघनगर शामिल है, डी ऑप्शन नहीं। फिर मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है? उद्योग नहीं है, तो गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में, एल्कॉइड एल्कलॉयड फैक्ट्री नीमच में, रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड ग्रेड इंडस्ट्रीज 89 सी गलत है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट में, तो 89 का सी। 90, उद्योग व संबंधित स्थल में असंगत है, गवर्नमेंट मेंटर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ऐसे ही है, करेंसी पेंटिफिस देवास में, नॉर्दर्न कॉल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली में, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट इंदौर में नहीं है, ए डी ऑप्शन है 90 का। 90 का क्या है डी। 91, निम्न उद्योग व संबंधित क्षेत्रों में सही है, तो 91 का है बी ऑप्शन, कास्टिक सोडा नागदा। ठीक। फिर है 92वां क्वेश्चन, निजी क्षेत्र का कागज कारखाना कहाँ है? निजी क्षेत्र का कागज कारखाना कहाँ है, तो आपको याद रखना है अमलाई, बी ऑप्शन सही है। फिर है 93वां क्वेश्चन, निम्न औद्योगिक संस्थाएं व उनके निर्माण वर्ष में असंगत है,
93 का मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में, ये सही है। मध्य प्रदेश प्रादेशिक विकास निगम 1965 में, ये भी सही है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1971 में, ये गलत है। तो 93 का सी है, ठीक है। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1900 में, 1955 में। 93 का क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन है 93। 94 निम्न में से, निम्न में असंबद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो कॉम्प्लेक्स बालाघाट नहीं है, ठीक है। 94 का बी है ऑप्शन, लेदर कॉम्प्लेक्स से देवास में, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में। तो 94 का कौन सा ऑप्शन है, बी। 95 आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन प्रबंध संस्थान भोपाल की स्थापना हुई। 95 बार बी ऑप्शन है, 1987 याद रखना बी। 95 क्वेश्चन का कौन है, बी ऑप्शन। 96 मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1972। 97 क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश में भाग ए का राज्य क्षेत्र निम्न में से था, तो 97 का क्या सी, सी पी एंड वराड, 97 का है सी। 98 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 98 में बी 43 थे, 43। 99 मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे, तो याद रखना है हरि विनायक पाट्स का, बी ऑप्शन सही है। 100 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रवि शंकर सुर कितने समय तक पद पर रहे, तो आपको याद रखना है ए 2 माह तक, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये दूसरा एमपी से संबंधित क्वेश्चन और उनसे आंसर देख रहे थे हम लोग, सॉल्व कर रहे थे। तो ये दूसरा है, अब तीसरा भी आएगा, इसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे तीसरा।